हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं, वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल के चैप्टर में आयंस की। व्हाट आर आयंस? बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफाइन है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है? तो आयंस क्या हैं? चार्ज्ड स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस, या अपन कहें पॉजिटिव आइटम हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयंस। तो आयंस की डिफाइन लिख लें। आइटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस, या दूसरी डिफाइन लिख सकते हैं चार्ज्ड स्पीसीज भी कहते हैं इसको। इज कॉल्ड आयंस। जरा एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगी। आयंस दो तरह के बच्चों, अगर एग्जांपल यहां देख लें पहले, जैसे सोडियम पे प्लस चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज का आयन है, और क्लोरीन पे माइनस चार्ज तो नेगेटिव चार्ज का आयन है। तो इनको अगर पॉजिटिव है तो उसको कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव है तो एन आयन। तो इसके टाइप्स में देखते हैं, नंबर वन, नंबर टू, टाइप्स ऑफ आयन कितने तरह के आयन? दो तरह के। नंबर वन कैटायन आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज द कैटायन, ठीक। एग्जाम्पल के लिए वही एग्जाम्पल, Na प्लस, Mg प्लस, हाइड्रोजन प्लस, NH4 प्लस, ये सब क्या है? कैटायंस है। और एनआईएन आयंस हैविंग नेगेटिव चार्ज। जिस आयन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएंगे? एनआईएन। एग्जांपल क्लोरीन पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इसी तरह से ब्रोमाइन पे माइनस चार्ज। तो जो माइनस नेगेटिव चार्ज वाले हैं दे आर द एनायन, ठीक है। तो ये आयन कितने तरह के हो गए? दो तरह के, कैटायन और एनायन। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ते चलते हैं, इस टॉपिक में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सर। अब बात करते हैं फार्मूला। बच्चों, आपने सबसे फर्स्ट डे इसमें सिंबल की बात किया था। सिंबल एलिमेंट्स के हैं। सिंबल क्या है? एलिमेंट के। शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। अब सिंबल के ग्रुप अगर बना दें हम तब हो जाएगा फार्मूला। सिंबल के क्या बना दें? ग्रुपिंग कर दें तो फार्मूला। जैसे ओ सिंबल किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के दो सिंबल ले लें, ओ प्लस ओ, ओ टू। ओ टू इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन। ओ टू क्या हो गया? ऑक्सीजन का फार्मूला हो गया। फार्मूला रिप्रेजेंट टू द मॉलिक्यूल और सिंबल रिप्रेजेंट टू द एटम, ये ध्यान रखना। ग्रुप ऑफ सिंबल इज कॉल्ड फार्मूला। एग्जाम्पल सिंबल है ओ प्लस ओ, तो फार्मूला क्या बन गया? ओ टू। सिंबल है ओ प्लस ओ, फार्मूला बन गया ओ टू। सिंबल है सी प्लस ओ प्लस ओ, फार्मूला बन गया सी ओ टू। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला,
और ये सिंबल है कार्बन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, क्लियर हो गया। अगर ये सिंबल सेम काइंड के हैं देन द फार्मूला ऑफ एलिमेंट, अगर ये सिंबल्स डिफरेंट काइंड के हैं देन फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फार्मूला रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। फार्मूला जो है हमेशा एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ये O2 बता रहा है, दो चीजें बता रहा है, दो एटम देखोगे तो हो गया मॉलिक्यूल, और दो सिंबल देखोगे तो हो गया फार्मूला। ऐसे यहां पर अगर आप तीन एटम देखते हो, ग्रुप ऑफ थ्री एटम्स, दो एटम ऑक्सीजन का, एक एटम कार्बन का, तब ये कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और अगर इसके सिंबल देखते हो COO, तब इसमें क्या हो गया, फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिमिलर एटम्स, सिमिलर सिंबल का ग्रुप होगा तो दैट इज द फार्मूला ऑफ एलिमेंट। सिमिलर ग्रुप ऑफ सिंबल इज द फार्मूला ऑफ एलिमेंट। इसका फार्मूला होगा एलिमेंट्स का, और ऐसा लिखो ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम, ग्रुप ऑफ सिमिलर सिंबल, एक जैसे सिंबल का ग्रुप होगा तो हो जाएगा फार्मूला ऑफ एलिमेंट। ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिंबल, अलग अलग सिंबल का अगर ग्रुप है तो इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फार्मूला ऑफ कंपाउंड, जैसे देखो सिमिलर एटम का ग्रुप है फार्मूला ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स का ग्रुप है, डिफरेंट सिंबल्स का ग्रुप है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? तो ये जो है फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, क्लियर है? ये दोनों का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं वैलेंसी की। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी, उसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी, दूसरों के साथ जुड़ने की कैपेसिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर। वैलेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर से। एग्जांपल के लिए इन अमोनिया, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर वन, इन अमोनिया वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। देखें फार्मूला अमोनिया का NH3, तो अमोनिया यानी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास कितने हाथ हैं? नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं,
यानी एक हाथ से एक हाइड्रोजन को पकड़ा है, दूसरे हाथ से दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ा है, तीसरे हाथ से तीसरे हाइड्रोजन को पकड़ा है। यानी नाइट्रोजन के पास कितने हाथ हो गए? तीन हो गए। तीन हाइड्रोजन से कंबाइन होने की इसके पास क्षमता है, कैपेसिटी है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? थ्री। ऐसे ही सेम नंबर टू इन मीथेन, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? फोर। जैसे CH4, सी के एक हाथ से एक हाइड्रोजन, दूसरे हाथ से दूसरा हाइड्रोजन, तीसरे हाथ से तीसरा, चौथे हाथ से चौथा। यानी कार्बन के पास चार हाथ हैं, एक दो तीन चार, चारों हाथों से चार हाइड्रोजन को पकड़ के रखने की इसके पास क्षमता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? फोर। इसे लिखा गया कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? फोर है, इसलिए इसकी वैलेंसी फोर। नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? थ्री है, इसलिए इसकी वैलेंसी थ्री। सेम ऐसे बच्चों आप ऑक्सीजन का अगर देखते हैं, ऑक्सीजन के वाटर में ऑक्सीजन की वैलेंसी टू। दूसरा एग्जांपल ले लें, इन वाटर वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन H2। वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो ऑक्सीजन के पास कितने हाइड्रोजन से जुड़ने की क्षमता है? दो। दो हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? टू। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों आयंस की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ आयंस। जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे एटम के ऊपर वो उनकी वैलेंसी। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द वैलेंसी ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज द वैलेंसी ऑफ एनायन। नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज प्रेजेंट ऑन एन आइटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ आयंस। ठीक, कैटायन की वैलेंसी पॉजिटिव है, एनायन की वैलेंसी नेगेटिव है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द वैलेंसी ऑफ कैटायन। अपन अब बात करते हैं वैलेंसी ऑफ कैटायन। पॉजिटिव चार्ज इज द वैलेंसी ऑफ कैटायन, इट मे बी वन टू थ्री और फोर, इट मे बी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, कितने कितने होगी? वन टू और थ्री। अगर वैलेंसी प्लस वन है तो मोनोवैलेंट, टू
इफ वैलेंसी इज प्लस वन इट इज नोन एज मोनोवेलेंट. मोनो मीन्स वन, वैलेंट मीन्स वैलेंसी. इफ वैलेंसी इज प्लस टू इट इज डाइवेलेंट. डाई मीन्स टू, वैलेंट मीन्स वैलेंसी. इफ वैलेंसी इज प्लस थ्री देन इट इज ट्राइवेलेंट. तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्राइवेलेंट. इनके एग्जाम्पल देखते हैं मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट. मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट और डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. और ये केटायन है, पॉजिटिव आयन. मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट केटायन. एक के टाइम एग्जाम्पल हाइड्रोजन एच ए प्लस वन चार्ज, पोटेशियम के पे प्लस चार्ज, सोडियम एन ए पे प्लस चार्ज, सिल्वर ए जी पे प्लस चार्ज, कॉपर सीयू पे प्लस चार्ज. इसको हम क्यूप्रस के नाम से जानेंगे. क्या कहेंगे, क्यूप्रस. अगर एक प्लस चार्ज है तो गोल्ड एयू एक प्लस चार्ज, अमोनियम NH4 एक प्लस चार्ज. बच्चों ये जो एक दो तीन चार पांच छह सात मैंने लिखे हैं, सातों सिंगल, सभी पे एक एक प्लस चार्ज हैं, इसलिए मोनोवेलेंट केटायन है. मोनो मतलब वन, जिनकी वैलेंसी वन है. डाइवेलेंट में देखते हैं एग्जांपल, बेरियम Ba दो प्लस चार्ज, कैल्शियम सी ए दो प्लस चार्ज यानी टू प्लस लिख सकते हैं इसको हम, मैग्नीशियम एम जी पे दो प्लस चार्ज, जिंक जिंक पे जेड एन पे दो प्लस चार्ज, कोबाल्ट सीओ पे दो प्लस चार्ज, कॉपर यानी क्यूप्रिक. कॉपर का मतलब क्यूप्रिक, दो प्लस दो सीयू पे दो. कॉपर पे यहां ध्यान दो, कॉपर पे एक चार्ज था तो क्यूप्रस बोलेंगे, कॉपर पे अगर दो चार्ज है तो क्यूप्रिक बोलेंगे. देन आयरन दो प्लस चार्ज है तो इसको फेरस बोलेंगे. और अगर तीन प्लस चार्ज हो जाएगा तो ये फेरिक कहलाएगा. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएट होती है, बदलती रहती है. जैसे कॉपर की
कुछ आइटम्स की वैलेंसी वन शो करेगा, कुछ आइटम की वैलेंसी टू शो करेगा। वन शो करेगा तो क्यू प्लस बोलेंगे, टू शो करेगा तो क्यूप्रिक बोलेंगे। आयरन ऐसे ही दो वैलेंसी शो करेगा तो फेरस, और तीन वैलेंसी शो करेगा तो फेरिक। और टाई में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एयर के तीन प्लस चार्ज, क्रोमियम सीआर पे तीन प्लस चार्ज, देन आयरन यानी फेरिक एफ पे तीन प्लस चार्ज, देन गोल्ड एयू एयू पे तीन प्लस चार्ज। ये हो गए आपके पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, इनकी ये हो गई बच्चों वैलेंसी। ये याद कर लोगे तो आपको फार्मूला बनाने में बहुत इजी पड़ेगा, मेहनत होगी लेकिन बार बार जब अपन फार्मूला बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तब ये याद होंगे। अब हम देखते हैं निगेटिव चार्ज वाले मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट। ये एनायन ले लिया ना, निगेटिव चार्ज हो गए, इनकी एक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। क्लोरीन, सीएल पे एक माइनस चार्ज, ब्रोमाइन बीआर पे एक माइनस चार्ज, आयोडीन आई पे एक माइनस चार्ज, हाइड्रोक्साइड ओएच पर एक माइनस चार्ज, नाइट्रेट एनओ थ्री पे एक माइनस चार्ज, देन बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, ब्रैकेट में रखें या ब्रैकेट बिना लगाए भी लिख सकते हैं। क्लोरेट CLO3 एक माइनस चार्ज, देन पर मैग्नेट पर मैग्नेट में MnO4 एक माइनस चार्ज। तो बच्चों ये सब पे एक एक सिंगल है इसलिए मोनोवेलेंट एनायन। सेम ऐसे डाइवेलेंट में लेते हैं सल्फाइड, एस पे दो माइनस चार्ज, देन ऑक्साइड ओ पे दो माइनस चार्ज, देन कार्बोनेट CO3 पे दो माइनस चार्ज, देन सल्फेट SO4 पे दो माइनस चार्ज, देन सल्फाइट SO3 पे दो माइनस चार्ज, मैग्नेट MnO2 पे दो माइनस चार्ज, MnO4 डाइक्रोमेट, पहले क्रोमेट लिख लें,
क्रोमेट CrO4। डाइक्रोमेट पे CR2O7, पे 2-4। तो बच्चों ये दो दो वाले हो गए, और फिर तीन तीन वाले भी एक दो हैं, नाइट्राइड NP3-, then phosphide P पे 3-, चार्ज फॉस्फेट PO4 पे 3-, चार्ज देन बोरेट BO3 पे 3-, चार्ज देन बस इतना ही रखें आप। ये जो है आपके ट्राइवेलेंट एनायन हो गए, डाइवेलेंट एनायन हो गए, मोनोवेलेंट एनायन हो गए। बच्चों केमिस्ट्री में जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं, ये ही मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। तो इनका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे थोड़ा सा उसका आइडिया मैं दे दूं। एग्जाम में पक्का आता है कि इसका फॉर्मूला लिखें, ठीक। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। पहले अपन सिंपल सिंपल लेते हैं, जैसे मान लो सिंपल लिखा है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखने के लिए है, मेकिंग फार्मूला। एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड, बच्चों सोडियम का सिंबल Na और इस पे एक प्लस चार्ज होता है, क्लोराइड का सिंबल Cl एक माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 यहां लिखें, इसकी वैलेंसी 1 यहां लिखें, दोनों की वैलेंसी एक दूसरे को ट्रांसफर कर दें। तो Na भी 1 लेना आपको, Cl भी 1 लेना आपको, फार्मूला हो गया NaCl, सिंपल सा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पोटेशियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम का सिंबल K, इस पे एक प्लस चार्ज, ब्रोमाइड का सिंबल Br, एक माइनस चार्ज, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, ये वैलेंसी इसको मिल गई, ये वैलेंसी इसको, तो मिल गया KBr। इस तरह से इनके फार्मूला बना सकते हैं। अब ऐसे ही बेरियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेते हैं, ऑक्साइड मैग्नीशियम का सिंबल Mg, इस पे 2+, ऑक्साइड का सिंबल हो 2-, यानी इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, वैलेंसी दे दीजिए, ये हो जाता है Mg2O2। मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, लेकिन अगर इसको सिंपल कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 1, ये 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, तो हम इसको MgO भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात सेम है। ऐसे कौन ले लेते हैं, ये आपको आना चाहिए एग्जाम में आता बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, यानी इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2, ये वैलेंसी इसको दे दो, ये वैलेंसी इसको दे दो,
फॉर्मूला आ जाएगा Al2 एल्यूमिनियम 2 ऑक्सीजन 3, ये इनके फार्मूला हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। बच्चों इस तरह से फार्मूला बनाना आपको सीखना है, आप प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के बुक में भी बहुत सारे फार्मूले बना के दिए हुए हैं और आप इनका उपयोग करोगे, एग्जाम में पक्का आता है फार्मूला बनाना। करना कुछ नहीं है, क्यों इनके चार्जे याद है, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, ये इसका ये बैलेंसी हो गई, इसकी ये बैलेंसी होगी, ये बैलेंसी इसको दे दो, इसकी बैलेंसी इसको दे दो, एक्सचेंज कर दो, अपने आप फार्मूला बन गया। और जहां दोनों इवन नंबर है उनको काट करके सिंपल कर दो, बस इस तरह से फार्मूला बना सकते हैं। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।